हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दी विकिपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसा ब्रांड ले लेते हैं जिसको पीने के बाद ऐसा लगता है कि यार हमने अपना जो पैसा है ना वो बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स बाय करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ब्रांड्स मैं बाय कर लेता हूँ जिनको पीने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैंने भी अपना पैसा जो है वो बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। आज की जो वीडियो है ये इसी टॉपिक के ऊपर है। आज मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी विस्कीज है जिनको पीने के बाद, जिनको बाय करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो अपना पैसा है वो बिल्कुल वेस्ट कर दिया है और दोबारा शायद मैं उनकी बॉटल्स बाय ना करूं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेरे टेस्ट के ऊपर, मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब कुछ ऐसे ब्रांड्स हो सकते हैं जो आपको पसंद हो लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। और दोस्तों, इनमें कुछ महंगी भी हैं विस्कीज और कुछ सस्ती भी हैं, तो मैं नीचे से लेके सबसे सस्ती वाली से लेके सबसे महंगी वाली तक जाऊंगा और बताऊंगा कौन सी विस्की मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं किसको दोबारा बाय नहीं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मैं किसी विस्की को बुरा नहीं बोलता है। एक भाई साहब ने तो ये कमेंट भी कर दिया कि सर आपको सारी विस्की अच्छी लगती हैं, कभी किसी विस्की को बुरा भी बोल दिया करो। तो अगर मुझे ये अच्छी नहीं लगी विस्की जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिसको पी के मुझे लगे कि हाँ इसमें कोई बात है। सबसे पहले मैं शेयर करूँगा, 400 रुपए की मैंने बॉटल बाय की थी ग्रैंड अफेयर विस्की की। भाई एक तो प्राइस इतना कम है, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इसको पीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट पी रहा हूँ। इसमें कोई भी फ्लेवर, कोई भी अल्कोहल का टेस्ट मुझे नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट का टेस्ट आया है। अगर आपके पास 400 है, मैं सजेस्ट करूँगा उसमें थोड़े बहुत और पैसे डाल के 40-50 या फिर 100 रुपीज़ और डाल के किसी और ब्रांड को आप बाय कर लो। प्लीज़ अपना 400 रुपया वेस्ट मत करो, ग्रैंड अफेयर में बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। नंबर दो पे आज जो मैं विस्की आपके साथ शेयर करूंगा, इसका बहुत नाम सुना था मैंने, बहुत एक्साइटेड होके मैंने इसकी बॉटल बाय की थी, सोलन नंबर वन। जी हाँ, इसके कई वेरिएंट्स आते हैं, सोलन नंबर वन, सोलन नंबर वन ब्लैक और सोलन गोल्ड। आज जो मैं बोल रहा हूँ ये है सोलन नंबर वन, जो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट है कंपनी का। मुझे इसको पीने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसमें स्पिरिट का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और दूसरे नंबर पे जब भी आप इसके दो पैक लगा लोगे तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी कर देती है हेड को। मुझे पीने में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मैं दोबारा इसको कभी ट्राई नहीं करूँगा। तीसरे नंबर पे जो मैं ब्रांड आपके साथ शेयर करूँगा, भाई इसके बारे में तो एक भाई साहब ने यूट्यूब पर बहुत सारे जो हैं अच्छी अच्छी बातें बोल दी, बहुत ज़्यादा फूल बांध दिए कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि आपकी ये फेवरेट विस्की हो, बैच 9। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बैच 9 एक ऐसी विस्की है जिसको पीने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कोई खास उसमें टेस्ट नहीं आया किसी भी चीज़ का। कईयों ने तो बोल दिया उसमें वुडीनेस आ रही है या फिर उसमें स्पाइसीनेस आ रही है, भाई मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का टेस्ट आया है, उससे अलावा मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो इससे अच्छा है आप ऑल सीजन बाय कर लो। बैच 9 मुझे बिल्कुल भी पीने में अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, नंबर 4 पे आज जो मैं विस्की आपको बताऊंगा, इसका नाम है रॉयल ग्रीन। जी हाँ, थोड़े तो हैरान आप हो ही गए होंगे क्योंकि कई लोगों की पसंद है ये। कई लोगों ने बोला है कि इसमें मोलासेस नहीं पड़े हुए, लेकिन मुझे आज तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि इसमें मोलासेस का यूज नहीं किया गया हो। इसमें भी अल्कोहल का जो पंच है वो बहुत ईजिली मिलता है, पीने में इतना अच्छा टेस्ट नहीं है। मुझे वैल्यू फॉर मनी ये नहीं लगी, अपने रिव्यू में भी मैंने यही बोला था कि मुझे पीने में अच्छी नहीं लगी। तो मुझे अगर मौका मिले रॉयल ग्रीन को दोबारा पीने का तो मैं नहीं पीऊँगा, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा।
नंबर पांच की तरफ चलते हैं। नंबर पांच पे जो बोतल मैंने बाय की थी भाई, उसके भी बहुत सारे फैन हैं। मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी कि यार इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हालांकि इसका जब मैंने रिव्यू किया था तब मुझे पीने में अच्छी लगी थी, लेकिन भाई उस रात को मैंने जब इसके दो तीन पैक लिए तो असली जो पिक्चर है वो तब क्लियर हुई। जी मैं बात कर रहा हूँ टी क्यूटी ब्लू की। जी हाँ, जितनी सुंदर इसकी बोतल है उतनी अच्छी विस्की ये नहीं लगी। जब मैंने इसके दो तीन पैक रात को लिए भाई, सुबह जो मेरा हेड है वो इतना हैवी हो गया, इतना ज़बरदस्त इसने मुझे हैंगओवर दिया कि मेरा जो मन है इससे बिल्कुल ही उतर गया। पूरी बोतल मैंने ऐसे ही अपने फ्रेंड को दे दी, मैं इसको दोबारा कभी भी ट्राई नहीं करूँगा। लास्ट पे नंबर छः पे जो मैं आपके साथ विस्की शेयर करूँगा, ये एक स्कॉच विस्की है और इसको मैंने खरीदने के लिए 1600 स्पेंड किए थे। जी हाँ, 1600 रुपये लगा के एक मैं स्कॉच विस्की लेके आया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि बॉटल बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड स्मगलर की। बॉटल बहुत प्यारी है लेकिन भाई जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल यंग विस्की जैसा है, मुझे पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कि आप 1600 स्पेंड करके ओल्ड स्मगलर पियो। मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये 6 विस्कीज ऐसी थी जिनको पीने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपना जो पैसा है वो बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। अगर आपकी भी यही राय है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको भी कभी ये फीलिंग आई है कि आपने ये जो ब्रांड है पिया है और आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट हो गए हैं, वो भी कमेंट करके बताइए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।